पौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते. महर्षी व्यास यांनी महाभारत पुराण लिहिले. त्या व्यास मुनींना वंदन करण्याचा व त्यांना त्यांची पूजा करण्याचा हा मंगल दिवस आहे. त्यांच्यासारखे श्रेष्ठ गुरु हिंदू धर्मात अद्याप झालेले नाही अशी हिंदू धर्मात श्रद्धा आहे. रायझिंग स्टार स्कूलमध्ये आम्ही दरवर्षी गुरु पौर्णिमा अतिशय उत्साहात साजरी करतो. या लहान वयातच आपण त्यांच्यावर चांगले संस्कार टाकू शकतो. त्यांना गुरूंचे महत्त्व समजण्यासाठी व गुरूंचा आदर करण्यासाठी गुरु पौर्णिमा ही याचे महत्त्व समजून सांगण्यासाठी आम्ही दरवर्षी रायझिंग स्टार स्कूलमध्ये गुरु पौर्णिमेचा उत्सव अतिशय उत्साहात साजरा करतो. Today I am going to take a speech on a Guru Purnima. We know very well today is a Guru Purnima. Guru Purnima is festival of we are celebrate end of the July or August, which is dedicated to on our gurus. Guru is not the teacher, not just given a means subject wise end of that gives us to means. That gives us to success for everyone. And see, I'm like teachers in Rising Star, all students are very, you know, student. They are taking a good response to all teachers. Thank you. God bless you. प्रधानाध्यापिका
एम शिक्षक महोदय का प्रणाम। मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दो शब्द बोलना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा पूर्णिमा के दिन आषाढ़ तिथि में मनाई जाती है। इसमें गुरु के रचयिता कृष्ण द्वापन व्यास के लिए गुरु का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि घर में हमारे गुरु हमारे माता पिता बड़े हैं, स्कूल में हमारे शिक्षक होते हैं और मौसी होती है जो बेसिक चीजें जानकारी देती है। मम्मी पापा हमको डेली उठाते हैं, हमको ब्रश करना सिखाते हैं, हमको कपड़ा पहनना सिखाते हैं, हमको अच्छा बोलना सिखाते हैं, है ना? गुरु कौन है? हमारे गुरु। तो रोज सुबह जब आप सब लोग उठोगे तो अपने मम्मी पापा को क्या करोगे? प्रणाम करोगे एंड यू से थैंक यू। व्हाट यू से? रात को जब भी सोने जाओगे आप अपने मम्मी पापा को क्या बोलोगे? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? वो आपको सब कुछ सिखाते हैं ना। फिर आपके दूसरे गुरु कौन है? टीचर्स भी आपको सिखाते। क्या बोलते हैं टीचर्स आपको लिखना पढ़ना बोलना ये सब सिखाती है ना? तो वी शुड से थैंक यू टू आवर teachers also, they are also our guru, okay? They are also very respectable for us, okay? घर में आप जाते हो तो भगवान की अल्लाह की सबकी प्रार्थना करते हो ना गॉड की? So we should say thank you to God also, okay? ठीक है? आज आप सब लोग घर पे जाके follow करोगे ना? आप अपने भगवान को थैंक यू बोलोगे, मम्मी पापा को थैंक यू बोलोगे, आप जिससे भी कुछ भी सीखते हो, आप ऑटो में जाते हो या दादा दादी से सीखते हो, मम्मी पापा से सीखते हो, यू हैव टू से थैंक यू टू देम बिकॉज दे मेक यू लर्न। आपको सिखाते हैं, आप अभी बहुत छोटे हो ना, आपको सुबह से लेके शाम तक आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपके दादा दादी, दे मेक यू लर्न। ठीक है? So every day you have to say thank you when you go to bed and pranam karna hai mummy papa ko, okay? We are at Always Preferred School, Rising Star, and we are going to talk to the principal, Miss Savita Mishra Pandey ji. Yes, madam. Guru Purnima ki hardik shubhkamnaye sabko. Aaj Guru Purnima ke subhavsar pe humne ek chhota sa function organize kiya. Dekhiye, hamare jo Rising Star, it's a preschool, jisme bachche bahut 2 saal se leke 6 se 7 saal ki umar tak hain. इनको कोई भी अपना जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, गुरु पूर्णिमा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि कैसे नहीं सिर्फ टीचर्स को बल्कि साथ में अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, आपके लाइफ में जो भी आता है, क्योंकि दिस आर देयर बेसिक फेज ऑफ लाइफ, दिस आर देयर इनिशियल स्टेज वेयर दे हैव स्टार्टेड देयर लाइफ एंड दे हैव टू जज बिटवीन रॉन्ग एंड राइट। तो उनके लाइफ में जो भी बताता है कि ये सही हो और ये गलत है, दे आर गुरु फॉर देम। एक कहावत है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। मतलब भगवान भी बताते हैं कि भाई गुरु आप श्रेष्ठ है, आप उनके पैर पड़िए। तो वैसे ही इन छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों के जीवन में हम जो टीचर्स हैं, शिक्षक हैं, एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जो हम उनको बता सकते हैं कि अच्छा क्या है उनके लिए, बुरा क्या है। दैट इज ऑल्सो अ लेसन फॉर देम। जो भी उनके लाइफ में आता है, दे आर गुरु फॉर देम, जो अच्छा बुरा का ज्ञान देता है, जो उनको अंधकार से प्रकाश की तरफ। गुरु पूर्णिमा का, गुरु का मतलब क्या है? कमिंग आउट ऑफ डार्कनेस, जो भी अंधकार है उसको प्रकाश की तरफ लाना। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और कोई भी प्री स्कूल, जितने भी प्री स्कूल है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि दिस इज द फर्स्ट एड ऑफ चाइल्ड लाइफ, और उनको इस कल्चर को, जो सही और गलत का जजमेंट,
यहाँ से ही बच्चों का, एक से बोलते हैं ना कि 5 साल तक के 8 साल के बच्चों का ब्रेन सबसे तेज से डेवलप होता है जी। बड़े स्कूल के कंपैरेटिवली हमारा मतलब छोटे बच्चों का जो स्कूल है, दे हैव टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन किड्स लाइफ बिकॉज दे विल बिल्ड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल प्री स्कूल स्पेशली प्री स्कूल बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम दिस फील्ड टू हैव दिस काइंड ऑफ फंक्शंस and guide kids that what is right for them, what is wrong for them, how to respect their elders, how to respect their parents, how to respect their teachers, jo bhi unke life mein, unke raaste mein, unke jeevan ke padav mein aata hai. Thank you so much.